हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रणय फ्रॉम एकेडमीज फॉर सीएससी। दोस्तों, आज हम लोग 67वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा एवं बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए मई एवं जून महीने की बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स के टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो सर्वप्रथम हम लोग जून महीने की यदि करंट अफेयर्स के टॉपिक को देखें तो आज का जो पहला करेंट है वह है बिहार और 9 अन्य राज्यों के लिए वन क्षेत्र के लिए लीडार सर्वे रिपोर्ट को जारी किया गया है। यदि लीडार की पूरा नाम की बात किया जाए तो लीडार का पूरा नाम है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इस रिपोर्ट को जारी करने वाले मंत्री का नाम है प्रकाश जावड़ेकर, जो कि तत्कालीन समय में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री थे। यह जो सर्वेक्षण है वह WAPCOS लिमिटेड, जिसे विस्तृत रूप में वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के रूप में जाना जाता था, उसके द्वारा जारी किया गया है। और यह जो WAPCOS अर्थात जो वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड है, वह भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत 26 राज्यों के लिए 18.38 करोड़ की लागत से बनाई गई एक सार्वजनिक उपक्रम है। यह जो रिपोर्ट है अर्थात जो वन क्षेत्र के लिए लीडार सर्वे रिपोर्ट है, और सर्वप्रथम अभी वर्तमान समय में सिर्फ और सिर्फ 10 राज्यों के लिए जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत बिहार भी शामिल है। और यह पहली बार है कि भारत ने वन सर्वेक्षण के लिए इस तकनीक अर्थात जो लीडार सर्वे रिपोर्ट है, इस तकनीक के माध्यम से जो भारत में वन क्षेत्र के सर्वेक्षण किया गया है वह भारत में पहली बार किया गया है। अर्थात लीडार तकनीक का उपयोग भारत में वन क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए पहली बार किया गया है। बिहार के साथ साथ यदि 9 अन्य राज्यों की बात किया जाए तो इसमें असम है, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और महाराष्ट्र, ये सभी 9 राज्य बिहार के साथ साथ शामिल हैं। तो इसमें से दो प्रश्न निकलने की संभावना है। पहली जो प्रश्न है वह है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा वन भूमि के सर्वेक्षण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया, तो इसके अंतर्गत जो हमारा आंसर होगा वह होगा लीडार सर्वे या लीडार तकनीक का। और जो दूसरा प्रश्न निकलने की संभावना है वह यह है कि वर्तमान समय में या पिछले कुछ दिन पहले भारत सरकार द्वारा लीडार तकनीक का प्रयोग करके वन सर्वेक्षण रिपोर्ट को जारी किया गया, उस श्रेणी में बिहार के साथ साथ अन्य कितने राज्य शामिल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के अतिरिक्त 9 अन्य राज्य शामिल हैं। और एक प्रश्न यह भी निकल सकता है कि निम्नलिखित में से बिहार के साथ साथ 9 अन्य राज्यों में कौन शामिल नहीं है, या बिहार के साथ साथ 9 अन्य राज्यों में कौन शामिल हैं। तो यह जो पहला टॉपिक था इसके अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण प्रश्न निकलने की संभावना है। यदि बिहार की बात किया जाए तो वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं माननीय फागु चौहान। यदि राजकीय वृक्ष की बात किया जाए तो बिहार के राजकीय वृक्ष हैं पीपल। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में युवाओं और महिलाओं के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2 नई सरकारी योजनाएँ को लॉन्च किया गया है। तो इसके अंतर्गत जो पहली योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, और दूसरी योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। अब यदि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की बात किया जाए तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में एक बेरोजगार महिला को व्यवसाय या लघु उद्योग को प्रारंभ करने के लिए 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। या जो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे, अर्थात इस रकम को कर्ज लेने वाली महिला को वापस करने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात यह जो टॉपिक है वह कह रहा है कि जो 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे इसके अंतर्गत 5 लाख रुपया सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा, और यह जो 5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे वह शेष 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण होंगे। अर्थात यह जो 5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे वो कर्ज के रूप में प्रदान किए जाएंगे, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट होगा वह 0% की इंटरेस्ट होगा। अर्थात तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत महिलाओं को व्यवसाय या लघु उद्यम प्रारंभ करने के लिए बिहार सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इस 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी तथा 5 लाख रुपए 0% इंटरेस्ट पर ऋण प्रदान किया जाएगा। अब नेक्स्ट योजना की बात करें तो नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। देखिए, इस योजना के अंतर्गत राज्य के युवाओं को एक छोटा व्यवसाय या उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के समान ही 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। अर्थात तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत भी 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस 10 लाख को भी 2 हिस्सों में दिया जाएगा। पहला जो 5 लाख रुपया होगा वह
सब्सिडी युक्त होगा तथा अन्य जो 5 लाख रुपए होंगे वह 1% ब्याज पर, अर्थात यह जो 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी उस पर 1% का इंटरेस्ट लगाया जाएगा और 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी 1% के कर पर, अर्थात 1% के इंटरेस्ट पर 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी तथा जो अन्य 5 लाख रुपए हैं वह बिहार सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना से राज्य में महामारी के बाद बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को उभरने में मदद मिलेगी, साथ ही बिहार राज्य के युवाओं और महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने में यह जो दोनों योजना है अर्थात मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना दोनों से सहायता मिलेगी। तो यह जो दो टॉपिक हैं इसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना है, हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से इस टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, यदि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की बात किया जाए तो इससे मुख्य रूप से दो प्रश्न बन सकते हैं। जो पहला प्रश्न होगा कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और जो दूसरा प्रश्न होगा वह यह बनने की संभावना है कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत कितने राशि सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख। नेक्स्ट जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है इसके अंतर्गत भी इसी प्रकार से दो प्रश्न बनने की संभावना है, जिसमें कि पहला प्रश्न होगा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाएगी, तो 10 लाख रुपया। और जो दूसरा प्रश्न बनने की संभावना है वह यह बन सकता है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत ब्याज पर राशि प्रदान की जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1% के इंटरेस्ट पर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है बिहार के सुपौल जिले में डगमारा जल विद्युत परियोजना को प्रारंभ किया गया है। अब हम लोग यदि डगमारा जल विद्युत परियोजना की बात करें तो देखिए, यह जो डगमारा जल विद्युत परियोजना है वह NHPC अर्थात नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की संयुक्त परियोजना है, जो कि बिहार राज्य के सुपौल जिले के अंतर्गत कोसी नदी पर, याद रखिएगा यह जो डगमारा जल विद्युत परियोजना है यह बिहार राज्य के सुपौल जिले के अंतर्गत कोसी नदी पर प्रारंभ की गई है और इसकी जो मेगावाट क्षमता होगी अर्थात इसकी जो उत्पादन क्षमता होगी वह 130.1 मेगावाट की इसकी उत्पादन क्षमता होगी। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि यह NHPC और BSHPC ने बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर 130.1 मेगावाट के डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया है और यह जो परियोजना है इस परियोजना का स्वामित्व मॉडल के अंतर्गत NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। NHPC एक मिनी रत्न PSU कंपनी है जो कि देश का सबसे बड़ा जल विद्युत विकास संगठन भी है। तो इससे दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना है। पहला तो यह प्रश्न बन सकता है कि डगमारा जल विद्युत परियोजना का प्रारंभ किस नदी पर किया गया, अर्थात यह जो प्रश्न है वो बनेगा कि डगमारा जल विद्युत परियोजना का प्रारंभ किस नदी पर किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी पर। और जो दूसरा प्रश्न बनने की संभावना है वह यह बन सकता है कि इसकी उत्पादन मेगावाट क्षमता कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 130.1 मेगावाट क्षमता होगी। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनने की संभावना है वह है कि जो डगमारा जल विद्युत परियोजना है उसे क्रियान्वित करने के लिए BSHPC ने किसके साथ समझौता किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा NHPC अर्थात अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था यह जो डगमारा जल विद्युत परियोजना है वह NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और BSHPC की संयुक्त परियोजना है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है बिहार 2030 तक SDG लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे कम तैयार राज्यों में से है, स्टेट ऑफ इंडिया की पर्यावरण रिपोर्ट 2021। इसके अंतर्गत बात करें तो देखिए, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट अर्थात CSE ने भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो भारत की ओवरऑल रैंकिंग है वह पिछले 2 वर्षों में 2 स्थान गिरकर 115 से 117 आ गया है, अर्थात जो SDG लक्ष्यों की प्राप्ति में CSE द्वारा जो भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है इस रिपोर्ट में भारत का रैंक 117 है। पिछले 2 वर्षों में भारत की रैंक में 2 अंकों की गिरावट आई है, जो कि पूर्व में 115 थी वह वर्तमान समय में 117 रैंक है। अब यदि इसके अंत पॉइंट की बात करें तो वह है कि भारत अब 4 दक्षिण एशियाई देशों में सबसे नीचे है, अर्थात SDG लक्ष्य को प्राप्त करने में
भारत दक्षिण एशियाई अन्य देशों, जैसे कि जो दक्षिण एशियाई के देश हैं, यदि माना जाए तो दक्षिण एशियाई के देश हैं भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यह सब दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण देश हैं। तो यदि इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो भारत चार दक्षिण एशियाई देशों से सबसे नीचे है, अर्थात SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत चार दक्षिण एशियाई देश जिनमें भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन सबसे नीचे है। अर्थात भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की इस रैंक 117 से ऊपर है। और यदि भारत में राज्यों की बात किया जाए तो राज्यों में केरल, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में स्थान दिया गया है। CAC द्वारा जो भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, इस रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में तीन राज्य को शामिल किया गया है, जिसमें पहला राज्य है वह है केरल, दूसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश और तीसरा राज्य है चंडीगढ़। यदि इस लक्ष्यों में बिहार की बात करें तो देखिए, बिहार और झारखंड 2030 तक SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे कम तैयार है। ठीक है, तो जो यह जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार बिहार और झारखंड दोनों राज्य SDG में से SDG 5 और SDG 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने में पिछड़ गए हैं। तो यह जो टॉपिक है इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना है, उससे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला तो प्रश्न है, यह बन सकता है कि भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा CSE। CSE को पूरा नाम कहते हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, यह बन सकता है कि भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 जिसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट द्वारा जारी किया गया, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 117। नेक्स्ट प्रश्न यह भी बन सकता है कि भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में कितने अंकों की गिरावट देखने को मिली है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करें तो इसके पहले थोड़ा सा हम लोग सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, यह जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं उनका नाम है सुनीता नारायण, और यदि संस्थापक निदेशक की बात किया जाए तो वह हैं अनिल कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21। देखिए, SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, या जो नीति आयोग है भारत की सबसे बड़ी थिंक टैंक बॉडी है, जो कि एक संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर संस्था कहने का मतलब हुआ कि नीति आयोग जो है इसकी स्थापना एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के माध्यम से की गई है। नीति आयोग की स्थापना मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के माध्यम से की गई है, यही कारण है कि यह जो नीति आयोग है वह संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर का मतलब हुआ कि इस संस्थान का संविधान में वर्णन नहीं है। अब हम लोग नीति आयोग की थोड़ा सा स्थापना के बारे में देख लेते हैं। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग की पूर्ववर्ती संस्थान की बात करें तो योजना आयोग नीति आयोग का पूर्ववर्ती संस्थान है। नीति आयोग का यदि पूरा नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब हम लोग SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 को देखते हैं। तो देखिए, यह जो नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 को जारी किया है, यह जो SDG इंडिया इंडेक्स है वह तीसरा संस्करण है। तो यह भी याद रखिएगा, कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गई SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 किस संस्करण का है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात तीसरा संस्करण जारी किया गया है। इसे नीति आयोग के चेयरमैन राजीव कुमार ने लॉन्च किया है, अर्थात यह जो इंडेक्स है उसे नीति आयोग के जो वर्तमान समय में चेयरमैन है राजीव कुमार, उन्होंने इस इंडेक्स को जारी किया है। इस इंडेक्स का शीर्षक है SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन। तो एक कोडवर्ड के रूप में आप इतना भी याद कर सकते हैं, पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन। नेक्स्ट अब हम लोग इसी पॉइंट में देखें तो देखिए, इस सूचकांक को भारत में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के सहयोग से नीति आयोग द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अर्थात इस इंडेक्स को तैयार करने में नीति आयोग ने भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के साथ साथ विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का सहयोग लिया है। इस रिपोर्ट की बात करें तो देखिए, केरल इस रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है।
केरल ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखी है, जबकि बिहार की बात किया जाए तो इस इंडेक्स में बिहार को सबसे न्यूनतम स्थान प्राप्त हुआ था, अर्थात बिहार को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल किया गया है। अब यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यदि यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है, जबकि यदि राज्यों में बात करें तो राज्यों में केरल को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है, जबकि यदि बिहार की बात करें तो बिहार की स्थिति इस इंडेक्स में सबसे न्यूनतम है और बिहार को संभवतः 52 अंक प्राप्त हुए हैं, ऐसे आप लोग इसे कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन जहां तक मुझे याद है बिहार को संभवतः 52 अंक प्राप्त हुए हैं और बिहार की स्थिति न्यूनतम है। अब हम लोग यदि मई महीने की करेंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए मई महीने के अंतर्गत जो करेंट अफेयर्स है उसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वह है HIT अर्थात हीट एप्लीकेशन। यह जो हीट एप्लीकेशन है यह बिहार में कोविड मरीजों के लिए एक एप्लीकेशन बिहार सरकार द्वारा कोरोना के सेकंड फेज के समय में प्रारंभ किया गया था, वही है हीट एप्लीकेशन। तो हीट का पूरा नाम है होम आइसोलेशन एंड ट्रैकिंग, तो आप यह भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी हीट का पूरा नाम भी पूछने के लिए आ सकता है। तो हीट का पूरा नाम है होम आइसोलेशन एंड ट्रैकिंग। अब यदि हीट एप्लीकेशन की बात करें तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में हीट कोविड ऐप को प्रारंभ किया है, जिसका उपयोग COVID-19 के मरीजों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन को स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मार्गदर्शन में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। तो देखिए यह जो हीट एप्लीकेशन है इससे मुख्य रूप से दो प्रश्न निकलने की संभावना है। पहला प्रश्न निकल कर यह आ सकता है कि बिहार में कोरोना की दूसरी फेज के तहत बिहार सरकार द्वारा कोविड मरीजों की ट्रैकिंग के लिए किस एप्लीकेशन को प्रारंभ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा हीट कोविड ऐप है। और जो दूसरा प्रश्न बन सकता है वह यह हो सकता है कि हीट कोविड ऐप जिसे बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था इसका निर्माण किस संस्थान द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड। अब यदि हीट एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें तो देखिए यह जो हीट एप्लीकेशन है इसका मुख्य उद्देश्य है बिहार राज्य में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना और होम आइसोलेटेड मरीजों की समय पर ट्रैकिंग सुनिश्चित करना। यह एप्लीकेशन स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को घर में अलग थलग पड़े मरीजों की बेहतर देखभाल करने में मदद करेगा और यह जो अपडेटेड डेटा स्वास्थ्य अधिकारियों को सचेत करेगा जब किसी मरीज का ऑक्सीजन स्तर 94 से नीचे गिर जाएगा और रोगी को आगे के इलाज के लिए तुरंत एक कोविड वार्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो यह मुख्य रूप से एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है जिसके अंतर्गत सभी कोविड मरीजों को की डाटा को इसमें शामिल किया जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा यदि संक्षेप में बिहार राज्य के बारे में बात करें तो देखिए बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान और राजकीय वृक्ष है बिहार का पीपल। नेक्स्ट बात करते हैं जो मई महीने के अंतर्गत जो दूसरा करेंट अफेयर्स है वह है बिहार और केरल के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के दिग्गज नेता RL भाटिया का निधन हो गया। तो इससे यह प्रश्न निकल कर बन सकता है कि बिहार के पूर्व राज्यपाल रहे किन राजनीतिक व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा RL भाटिया। यह प्रश्न ऐसे भी निकल कर आ सकता है कि RL भाटिया पर विचार करें और स्टेटमेंट नंबर 1 दे सकता है कि यह बिहार एवं केरल के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, स्टेटमेंट नंबर 2 दे सकता है कि यह कांग्रेस के नेता थे और फिर ऑप्शन दे सकता है कि ओनली वन अर्थात केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है, और फिर दे सकता है कि केवल दो सही है और फिर दे सकता है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यह जो RL भाटिया हैं वह बिहार और केरल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। अब हम लोग यदि थोड़ा सा इनके बारे में देखें तो देखिए कोविड 19 से पीड़ित होने के कारण इनका निधन हो गया और यह जो RL भाटिया थे वह अमृतसर पंजाब से 6 बार के सांसद रहे हैं और 1992 में नरसिम्हा राव सरकार के दौरान विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। 2004 से 2008 ईस्वी तक केरल के राज्यपाल और 2008 से 2009 ईस्वी तक ये बिहार के राज्यपाल रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा अन दूसरी करंट को देखें तो देखिए नेक्स्ट है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया जो बिहार के पूर्व राज्यपाल भी थे उनका निधन हो गया। तो मई महीने के अंतर्गत बिहार के 2 पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया जिनमें पहला थे RL भाटिया और दूसरे जो हैं वह हैं जगन्नाथ पहाड़िया।
ये जो जगन्नाथ पहाड़ियाँ हैं इनका जन्म 5 जनवरी 1932 ईस्वी को भुसावर राजस्थान में हुआ था। ये 89 वर्ष की उम्र में इनकी कोविड के कारण इनकी मृत्यु हो गई, और ये 4 बार सांसद रहे हैं और राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री भी थे। तो देखिए, यह जो इस प्रश्न से 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना है। पहला तो यह प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री रहने वाले किस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो इसका आंसर होगा जगन्नाथ पहाड़िया। और एक प्रश्न ये बनने की संभावना है कि यह जो जगन्नाथ पहाड़िया है वो कब से कब तक बिहार के राज्यपाल थे, तो इसका आंसर होगा 1989 to 1990, अर्थात 1989 ईस्वी से लेकर 1990 ईस्वी तक जगन्नाथ पहाड़िया बिहार राज्य के राज्यपाल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पद्मश्री से सम्मानित वैमानिकी वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया। देखिए, यह जो मानस बिहारी वर्मा है वह बिहार के रहने वाले थे। ये 77 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म हुआ था बिहार के दरभंगा में। और यह जो मानस बिहारी वर्मा है इनका जन्म 29 जुलाई 1943 ईस्वी को बिहार के दरभंगा में हुआ था। ये एक वैमानिक वैज्ञानिक है, अर्थात एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के करीबी सहयोगी के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने 35 से अधिक वर्षों तक DRDO जो कि एक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है उनमें अपनी सेवाएं दी हैं। और भारत की प्रथम लड़ाकू विमान, अर्थात जो स्वदेश निर्मित भारत की प्रथम लड़ाकू विमान है जो LCA जिसका नाम वाजपेयी सरकार द्वारा तेजस कर दिया गया, उसके विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2010 ईस्वी में मोबाइल साइंस लेबोरेटरी को गति देने के लिए भी ये जाने जाते हैं। अर्थात जो मानस बिहारी शर्मा हैं इन्हीं के अथक प्रयासों से वर्ष 2010 ईस्वी में मोबाइल साइंस लेबोरेटरी को प्रारंभ किया गया। जो मोबाइल साइंस लेबोरेटरी है वह राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2001 ईस्वी में इन्हें DRDO के वर्ष के वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया, और जो 2004 ईस्वी में इन्हें DRDO के प्रौद्योगिकी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से जो हमारा सीरीज चल रहा है, अर्थात जो BPSC की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो कैडेंस फॉर CSE जनवरी से लेकर नवंबर महीने तक की बिहार से संबंधित समसामयिक प्रश्नों को डिस्कस करेगा, इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है त्रिपुरारी शरण IAS हैं, बिहार के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो वर्तमान समय में जो बिहार में मुख्य सचिव हैं उनका नाम है त्रिपुरारी शरण। थोड़ा सा त्रिपुरारी शरण के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, यह जो बिहार के पूर्व मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार सिंह के निधन के बाद वरिष्ठ IAS अधिकारी त्रिपुरारी शरण को बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार इनका कार्यकाल केवल 2 महीने की संक्षिप्त अवधि के लिए होगा, लेकिन यदि वर्तमान समय में की बात किया जाए तो वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा इन्हें 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। इस कारण वर्तमान समय में यदि बिहार के मुख्य सचिव की बात किया जाए तो वर्तमान समय में बिहार के जो मुख्य सचिव हैं वह है त्रिपुरारी शरण। नेक्स्ट टॉपिक है वह है मधेपुरा लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से सोमा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन को तैयार किया गया है। एक फ्रांसीसी रोलिंग स्टॉक निर्माता एल्स्टॉम ने अपना सोमा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्मित करके भारतीय रेलवे को प्रदान किया है। यह जो डिलीवरी है वह भारतीय रेलवे और एल्स्टॉम के बीच 2015 में हुए 3.5 बिलियन यूरो के सौदे का हिस्सा है, जो कि 12,000 हॉर्स पावर के 800 पूरी तरह से बिजली के उच्च शक्ति वाले डबल सेक्शन इंजन का निर्माण और वितरण करने के लिए समझौता किया गया था 2015 ईस्वी में। इस की बात किया जाए तो यह जो इंजन है वह 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी गति को देगा, अर्थात इसकी जो स्पीड होगी वह 120 किलोमीटर पर आर की स्पीड होगी। इस लोकोमोटिव को बिहार के मधेपुरा जिले में भारत के सबसे बड़े एकीकृत ग्रीनफील्ड निर्माण संयंत्र है उसके रूप में इसे निर्मित किया जाएगा। इस विकास के बाद भारत ने दुनिया भर के उन 6 देशों में अपनी जगह बना ली है जो कि स्वदेशी रूप से ऐसे उच्च शक्ति वाले इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन करते हैं, अर्थात तो भारत विश्व के उन 6 देशों में शामिल हो गया है जो कि 12,000 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन का निर्माण करने में सक्षम है। तो इस प्रकार से जो आज हम लोग मई महीने एवं जून महीने की बिहार से संबंधित समसामयिक प्रश्नों को डिस्कस किया। धन्यवाद।